चलिए शुरू करते हैं मैडम राइज द बस का ना एक क्वेश्चन जो की राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ कंडक्टर इन मैडम द द बस बस मैडम में जो कंडक्टर है ना कैरेक्टर को लिखने के लिए कहा जा रहा है तो पहले तरह से ना क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है एंड द सेकेंड टाइप क्या होता है ना बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इन मैडम राइज द बस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड मैनर मतलब कि जो की व्यवहार है ना कंडक्टर का जो व्यवहार रहा है मैडम राइज द बस में वो क्या है ना वो एक एग्जाम्पल है गुड मैनर्स का ठीक है ना अच्छे तौर तरीकों का ठीक है तो हमें जो है ना मैंशन द इंस्टांसिस ऑफ द गुड मैनर्स सोन बाय द कंडक्टर इन द स्टोरी इस स्टोरी में जो भी एग्जाम्पल जो भी इंस्टांसिस है ना गुड मैनर्स का जो भी हमें जो है ना इंस्टांसिस देना है यानी कि एग्जाम्पल समेत जो है ना कुछ उदाहरण को देते हुए हमें बताना है क्या कि कंडक्टर का मैनर कैसे मतलब कि अच्छा था ठीक है इसके बारे में बताना है एंड एक तरह से और भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना राइट में कुछ टैग कर दिया जाता है राइट हाउ कैन यू मेक योर लाइफ हैप्पी बाई ऑब्जर्विंग गुड मैनर्स मतलब कैसे आप जो है ना अपने लाइफ को तुम अपनी लाइफ को ज्यादा सुखी बना सकते हो खुशहाल बना सकते हो बाई ऑब्जर्विंग गुड मैनर्स अच्छे तौर तरीकों को ऑब्जर्व करते हुए कैसे बना सकते हो और अच्छे तौर तरीके ना कैसे आपको जो है ना, आपकी जिंदगी को ना अच्छा बना सकता है तो चलिए हम लोग इसके आंसर को शुरू करते हैं एंड आंसर का जो है ना पहला पैराग्राफ क्या है ना देखिए क्या लिखा हुआ बाई ऑल अकाउंट्स द बस कंडक्टर वॉज अ वेल बिहेव एंड एमिएबल पर्सन मतलब पूरे किताब को पढ़ने के बाद पूरी स्टोरी को जानने के बाद सब कुछ से ये पता चलता है क्या बाई ऑल अकाउंट ये पता चलता है हमें कि बस well मतलब काफी जो है ना कुशल उसका व्यवहार well मतलब हो गया कि मिलनसार ठीक है ना फ्रेंडली पर्सन वो है ही वाज गुड मिमिक्री एंड न्यू हाउ टू मेक जर्नी एंड एक्सिलेटिंग एक्सपीरियंस फॉर द पैसेंजर्स अब देखिए क्या है ना कि वो उसको पता था क्या है सबसे पहला तो वो क्या है ना मिमिक्री में बहुत ही एक्सपर्ट है मिमिक्री मतलब उसको अच्छे से मिमिक्री आते हैं पहला ये ही न्यू हाउ टू मेक जर्नी एक्सहीलिटिंग एक्सपर्ट और उसको ये चीज़ करना बिल्कुल पता है क्या कि कैसे अपने जर्नी को मतलब अपने जो जर्नी कर रहे हैं जो भी पैसेंजर्स है ना उनके जर्नी को कैसे आनंददायक यानि एक्सहीलिटिंग आनंददायक बनाया जा सकता है ये उसे बहुत अच्छे से आता था ठीक है ना अब देखिए एट द आउटसेट एट द आउटसेट का मतलब कि शुरुआत में कि हेल्पफुल आ जा रहा है क्या वेन वाली एन एट ईयर ओल्ड गर्ल वाज टू बोर्ड एट एट हर विलेज जब वो भाली जो है ना जो कि आठ साल की बच्ची है वो क्या कर रही है यानी कि जो भाली आठ साल की लड़की है ना वो क्या करिए ना जब बस पकड़ने के लिए अपने गांव में मतलब बस पकड़ने जा रही है बस पे चढ़ने जा रही है बोर्ड मतलब चढ़ना यहाँ पे हुआ तो उस समय जो है ना उसका क्या होता है ना उसका हेल्पफुल नेचर जो है ना यानी कि कंडक्टर का जो है ना हेल्पफुल नेचर जो है ना वो सामने आता है ही ऑफर टू हेल्प भाली इन ऑर्डर टू गेट इन ऑर्डर टू गेट हर इन द बस अब देखिए क्या है ना कि वो क्या की है किया है ही ऑफर टू हेल्प भाली भाली को क्या किया है ना मदद का ऑफर किया है मतलब हाथ बढ़ाया आपको याद होगा स्टोरी आप लोगों ने पढ़ा है तो देखा है कि वो कैसे उसको हाथ बढ़ाता है ठीक है और हाथ बढ़ाने पे वो क्या कहती है ना कि वो बोलती है उसको रिफ्यूज कर देती है बोलती है कि मुझे पता है कि हाउ टू मतलब कि बोर्ड द बस हाउ टू गेट ऑन द बस तो वो जो है ना रिफ्यूज कर जाती है लेकिन उसको हमें नहीं लिखना है यहाँ पे ही ऑफर टू हेल्प इन ऑर्डर टू गेट हर इन द बस मतलब को क्लियरली इट इज अ वेरी गुड हैबिट और ये चीज जो है ना क्लियरली चीज से पता चलता है ये बहुत ही अच्छा आदत है ठीक है ना वो ड्राइवर का ठीक है अब देखिए अगला क्या है लिटिल गर्ल ंग ऑल एलोन मत उस लड़की के लिए ना एक जेनुइन कंसर्न था चिंता था उसके अंदर में ठीक है ना जेनुइनली जो है ना उसके अंदर जो है ना एक उस लड़की को लेकर ना बिल्कुल वो चिंतित था क्यों क्योंकि क्योंकि वो बिल्कुल जो है ना अकेली वो ट्रेवल कर रही थी इसलिए उसको चिंता था ठीक है ना ही आस्ट इफ सी न्यूर्स है क्या उसे पता है वो इस बात को बार बार पूछता था कि क्या उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है शहर में ठीक है ना इट वॉज बिकॉज सी कुड बी लॉस्ट इन द टाउन क्योंकि उसे डर था उसको ऐसा इसलिए महसूस हो रहा था क्योंकि इट वॉज़ बिकॉज ऐसा उसको लग रहा it, मतलब इट वॉज बिकॉज सी कुड बी लॉस्ट इन द टाउन मतलब उसको ऐसा लगता था ना कि टाउन में कहीं वो खो ना जाए इसकी वजह से वो क्या हुआ ना उसके पूछ रही है पूछ रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है ठीक है तो एक जेनविन कंसर्न उसके अंदर मतलब कि एक जेनविन चिंता उसको दिखाई दे रहा है एक समय क्या हो रहा ना आप स्टोरी में देखे हैं कि एक समय क्या हो रहा ना जब भाली को ना भाली जो है ना उसके ऊपर जो है उसको आंख भी दिखाती है ठीक है एंड डिमांडेड respect एंड यहां लिखना है हमें एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट और उससे जो है ना क्या होता है ना डिमांड रिस्पेक्ट कर रहा है कह रहा है क्या कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है ठीक है तो उस समय ये कहानी में आपको पता चल रहा है क्या कि वो कह रही है कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है किसको तुम बच्चा कर रहे हो ठीक है ड्राइवर को ना एंग्री आई जो है ना आई शॉट कर रही है मतलब आंख दिखा रही है और उनसे जो है ना रिस्पेक्ट को ना डिमांड कर रही है अब देखिए यहाँ जो है ना हमें कोमा डालना पड़ेगा हमेशा कोमा डाल के ही रिफ्यूजिंग टू बी ट्रीटेड एज ए चाइल्ड और वो जो है ना बिल्कुल जो है ना रिफ्यूज कर जा रही है कि वो एक चाइल्ड है बच्ची है इस बात से वो मतलब कि क्या हो रहा है ना देखिए वहाँ पे क्या है कि जब बस में कहा जा रहा है ना क्या कि एक पैसेंजर होता है पैसेंजर वो कहता है क्या कि बच्चा तुम इस तरह से बच्ची जो है ना इस तरह से तुम मत करो सीट पर मत चढ़ो और सीट पे चढ़ के उधर मत देखो वो उसको जो है ना उसके जो को पैसेंजर है ना एक को पैसेंजर वाली को मना करता है बस में उस तरह से झांकने से बाहर देखने से ठीक है अब इस पे जो है ना वो कह रहा है कि कोई भी बच्चा नहीं है यहाँ पे और जो है ना इसी पे जो है ना फन कुछ फन जो है ना क्रिएट कर रहा है कंडक्टर जो है ना उसका जो है ना थोड़ा सा उसको मिमिक्री करते हुए वहाँ पे मजाक करते हुए कुछ उसको कह रहा है तो इससे क्या हो रहा है ना कि उसपे जो है ना गुस्सा हो कि उसको आंख दिखाती है ठीक है तो उसको भी वो अच्छे से ले रहा है गुड स्प्रिट में ले रहा है एंड मेड द गुड फन ऑफ भाली ठीक है ना भाली का ना एक तरह से क्या कर रहा है ना मस्ती मस्करी कर रहा है भाली के साथ में जबकि वह भाली जो है ना उसको जो है ना एंगड़ी आई जो है ना उसको दिखा रही है काफी अपना जो है ना आंख दिखा रही है उसको ठीक है ना एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट और उसको रिस्पेक्ट डिमांड करिए करिए कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है हम भी तीस पैसा दिए हैं थर्टी पैसा हम भी दिए हैं आपको समझे ना और लाइक एनी अदर पैसेंजर आई हे ऑल्सो गिवेन द थर्टी पैसेज टू यू ठीक है तो इस पे जो है ना उससे बहुत मजाक मस्ती भी हो रहा है वहाँ पर और उसको बहुत लाइट वेन में ले रहा है कंडक्टर ठीक है रिफ्यूजिंग टू बी ट्रीटेड ए चाइल्ड क्योंकि तो लड़की जो है ना वो क्या हो रही है अपने आप को बच्चा नहीं मान मानती है कि वो एक बच्ची है वो इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर जा रही है अब देखिए क्या है अगला क्या है अगेन ही ऑफर सॉफ्ट ड्रिंक टू वाली इन द टाउन अब देखिए जब टाउन में जब बस पहुंच आ रही है तो वहां जो है ना उसको भाली को क्या कह रहा है सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर कर रहा है कि तुम सॉफ्ट ड्रिंक पी लो फिर उसके बाद कह रहा है कि कुछ घूम लो उतर के देख लो कुछ चीज को लेकिन वो क्या करी ना सी रिफ्यू सी टर्नड डाउन मतलब जो ये ऑफर कर रहा है कि आप सॉफ्ट ड्रिंक पी लो उससे ये क्या कर रही है ना टर्न डाउन मतलब उसको जो है ना रिजेक्ट कर दे रही है एक तरह से ठीक है ना इन दिस वे द कंडक्टर शोड मेनी गुड कैरेक्टर्स सच एस काइंडनेस हेल्पफुल्प हेल्पफुलनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर द इंडिविजल इन हिज कंडक्ट अपने कंडक्ट में मतलब मैं फिर से पढ़ दे रहा रहूँ इन दिस वे द कंडक्टर शोड मेनी गुड कैरेक्टर सच एज़ काइंडनेस हेल्पफुलनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल इन हिज कैरेक्टर इन हिज कंडक्ट अपने कंडक्ट में ना अपने व्यवहार में ना वो कई तरह के चीज़ को ना वो वहाँ पर प्रदर्शित किया कैसा किया सबसे पहला चीज़ की गुड कैरेक्टर्स सच एज़ काइंडनेस मतलब दयालु उसका जो ना दया, दयालुपन जो है ना वो निकल के आया उसका हेल्पफुलनेस जो है ना वो भी सामने आया एंड रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल मतलब किसी का सम्मान करना चाहिए हर आदमी का सम्मान करना चाहिए ये सारे बात जो है ना वो खुल के सामने आया कंडक्टर के बिहेवियर में इन नट सेल वी कैन से इन नट सेल वी कैन मेक आवर लाइफ हैप्पी बाई ऑब्जर्विंग गुड हैबिट्स मतलब हम लोग क्या करते हैं इन नट सेल वी कैन मेक आवर लाइफ हम लोग बाई ऑब्जर्विंग गुड हैबिट्स को ना ऑब्जर्व करते हुए क्या है ना हम अपने लाइफ को क्या कर सकते हैं अच्छा बना सकते हैं हैप्पी बना सकते हैं वर्ड्स लाइक प्लीज थैंक यू रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी अब देखिये वर्ड्स जो है ना लाइक like, शब्द जो है ना इस तरह के शब्द जैसे कि प्लीज हो थैंक यू हो ये रेडिएट करते हैं मतलब की इससे ना अपने एक तरह का एनर्जी रेडिएट करते हैं पॉजिटिव है एनर्जी को रेडिएट करते हैं एंड हैव मैजिकल इफेक्ट ऑन लिसन और जो भी सुनने वाला होता है ना उस पर जो, जो है ना एक तरह का मैजिक जो है ना इस तरह का चीज़ जो है ना वो कास्ट करता है मैजिक मैजिकल इफेक्ट उस पर जो है ना प्रोड्यूस करता है ठीक है ना मतलब सभी को प्रभावित करता है कहने का ये मतलब है कि इस तरह का शब्द जब भी आप थैंक यू यूज करते हैं कहते हैं या प्लीज़ यूज़ करते हैं ये गुड हैबिट्स में आते हैं और इस तरह के वर्ड्स जो है ना वो क्या करते हैं हमें जो है ना एक सुनने वाले को ना एक मैजिकल इफेक्ट्स मतलब कि अच्छा लगता है उसको ठीक है इस तरह से कह सकते हैं कि उसे अच्छा लगता है और उसके ऊपर जो है ना एक तरह का मैजिकल इफेक्ट जो है ना वो छोड़ता है मतलब कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ता है इनफैक्ट हम लोग इस तरह से कह सकते हैं एक जो है ना बहुत ही ओल्ड अच्छा ओल्ड सेइंग है जो कि हम लोग कहते हैं कटसी कॉस्ट नथिंग बट इट इल्स गुड डिविडेंड कटसी से मतलब कि जो है ना कटसी जो है ना वो कुछ कुछ कॉस्ट नहीं करता कुछ से मतलब किसी को अगर सम्मान देते कुछ हैं कुछ बिहेवियर अच्छे कंडक्ट को रखते हैं कटसी निभाते हैं तो इससे जो ना कुछ भी खर्च नहीं होता हमारा लेकिन क्या होता है ना इट इल्ड्स गुड डिविडेंट्स लेकिन इससे जो है ना काफ़ी मुनाफा होता है काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है तो इस तरह से हम लोग कंडक्टर का जो है ना वो कैरेक्टर uh, स्कीच को हम लोग लिख सकते हैं थैंक यू चलो